सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जयकारा शेरावाली जी दा सांचे दरबार की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि सम सुरेन्द्र सुरेन्द्र सुरावण पुरमाता कात्यायने तोष्ट भुरेष्ट लाभ विकाश वक्त्राब्ज विकाशिताशा देवे प्रपन्नादि हरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध माता जगतो विलक्षण प्रसिद्ध विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमेश्वरि देवि चराचरस्य आधारभूता जगदा स्वमेका महेश्वरूपेण यथासितासि अपां स्वरूपासि दयात्वैतत् आप्यायते कृष्णमलाङ्गवीर्य त्वं वैष्णवीशक्तिरनन्दवीर्य विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः विद्या समस्ता समगे विभेदा त्रियः समस्ता सर्वदा जगत्सु त्वयैकया पूरितमम्बयेत का ते स्तुतिष्टव्यपरा परक्तिः सर्वबोधाय धर्मे स्वर्गभक्ते प्रदायिनि त्वं सुधा सुदयका भवन्तो परमोक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गते देवि नारायणि नमोऽस्तुते कलाकाशादिरूपेण परिणामप्रदायिने विश्वस्य परतोषप्य नारायणि नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमङ्गल्य शुभे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरे नारायणि नमोऽस्तुते सृष्टिसृजे विनाशानां शक्तिभूते सनातने गुणाशय गुणमये नारायणि नमोऽस्तुते शरणागतिनाथ परित्राणपरायणे सर्वस्याति हरे देवे नारायणि नमोऽस्तुते हंसयुक्ताभिमानस्य ब्रह्मनिरूपधारिणि कौशाम्बाशरिके देवे नारायणि नमोऽस्तुते त्रिशूलचन्द्राधिधरे महावृषभवाहिनि माहेश्वरि स्वरूपेण नारायणि नमोऽस्तुते
मयूर कुक्कुर हृदय महाशक्ति धर नख कौमारे लोप संतान नारायण नमोस्तुते शंख चक्र गदा चार गृहीत परमायुध प्रसीद वैष्णवे रूप नारायण नमोस्तुते गृहीताग्र महाचक्र दशाधिपसुन्दर वराहरूपिणे शिव नारायण नमोस्तुते नृसिंहरूपेण हन्तं दैत्याङ्गिताद्यमे त्रैलोक्यत्राणसहित नारायण नमोस्तुते किरीटिणे महावज्र सहस्रयणज्वल नेत्र प्राणहरे चन्द्रे नारायण नमोस्तुते शिवदूते स्वरूपेण हतश्च महाबले घोररूपे महारावे नारायण नमोस्तुते दशाकरालवदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मुण्डवदने नारायण नमोस्तुते लक्ष्मीलज्ज महाविद्य शब्द पुष्यसुधृद महारात्रि महाविद्य नारायण नमोस्तुते मेधे सरस्वती वर भूते ब्रवितामसि नियते त्वं प्रसीदेश नारायण नमोस्तुते सर्वस्वरूपे कर्वेश सर्वशक्ति समन्विते भयभद्रायिनो देवि दुर्गे देवे नमोस्तुते ते धत्ते वदनं सौम्यं लोचनात्रयभूषितम् भावना सर्वभेदेभ्यः कात्यायनि नमोस्तुते ज्वालाकरालमत्यग्रहशेषासुरसूदनम् त्रिशूलं बाधुनोभेदकाले नमोस्तुते इनस्थिरसि स्वर्णापूरया जग साघण्डापादुनो देवि पाप्यभ्यो नः सुदानिव हसुरासिर्वसा पङ्कजचितस्तकरज्ज्वलः शुभाय कणुको भवतु चण्डिके त्वां नता वयम् रोगानशेषानपहांसदुष्टा रुष्टातु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाशिदानां न विपाणराणाम् स्वामाशिदाय शताम्रयाण्डि एताकृतं या करणा त्वयाद्य धर्माद्विषां देवि महासुराणां रूपेणैके बहुदात्ममूर्तिं कृत्वा विगेतात्रकरादिकान्याम् विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे स्वाध्येषु वाक्येषु सकात्वदन्या मम त्वकर्तेति महान्धकारे विभ्रामयते करतेव विश्वम् रक्षासि यत्र रविशाश्च नागा यत्रायोदासुमलानि यत्र दावानरो यत्र ददाति मध्ये तत्र सिदात्वं परिपासि विश्वं विश्वेश्वरि त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिकाधारयते विश्वम् विश्वेश वन्द्या भवति भवन्ति विश्वाश्रयाय त्वयि भक्ति नम्रा देवेन सिद्धपरिपालयनोरभेद नित्या यथा सुर्वदा प्रसुरैव सद्यः पापानि सर्वजनतां प्रशमनयाशु भक्पादपादजनिताश्च महोपसर्गान् प्रणतानां प्रसीदतां देवे विश्वादिहारणि त्रैलोक्यवासिनामेध लोकानां वरदा भव देव्योवाच
वराहं सुरणामरं जन्मन चक्षत त्वन्तनद्यं प्रयच्छामि जगदामुपकारकम् देवाोचो सर्वाभादा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरे एवमेव त्वया कार्यम् अस्मभिर्विनाशनम् देव्योवाच देवास्तरान्तरे प्राप्त अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भाशुम्भ चैवाचोत्पाच्यते महासुरौ नन्दगोपगृहे जाता यशोदागर्भसम्भव नाशयिष्यामि विन्ध्या च निवासने पुनरप्यधिरोधेन रूपेण पृथमेतर अवतीर्यणिष्यामि प्रचिता सुदानवान् भक्ष्यन्त्या च दानव्राट प्रचित्तान् महासुरान् रक्तानन्दा भविष्यन्ते दानमेकसमापमान् ततो मां देवता सर्गे मध्यलोके जमानवा सुवन्तो व्याहरिष्यन्ते सततं रक्तदन्तिकाम् भूयश्च शवभाषिक्या मनाविष्टा मनं भसे मुनिभिः संस्तुता भूमौ सम्भविष्यामि यो निजा तदा शरेण नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मुनीन् कीर्तयिष्यन्ति मनुजा क्षदाक्षेमिति मां ततः ततोऽहमखिलं लोकमात्मदेह समद्भवे हरिष्यामि सुराशाकैरावृष्टै प्राणधारकैः शाकम्भरिविख्यातिं तदा यास्यामहं भवे तत्रैव वधिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरम् दुर्गादेवेदविख्यातं कर्मनाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचल रक्षासि वक्षयिष्यामि मुनीनां तानकारणात् कदामामुनयः सर्वे सोषं ध्यानं रमोतयः भीमादेवेदविख्यातं तन्मनाम भविष्यति जगाणाख्यस्य लोके महाबाधं करिष्यति तदाहं ब्राह्मणं रूपं कृत्वा सङ्गषट्पदम् ते लोक्यस्य नाथाय करिष्यामि महासुरम् ब्राह्मणेते च मालोका सुरा दोषन्ति सर्वतः इत्थं यदा यदा बाधानमुक्ता भविष्यति तदा तदावधेयाहं करिष्यामि संशय ओ इस समय इस पवित्र गुफा में वैष्णो माता जी की संध्याकालीन आरती षोडशोपचार द्वारा पंचामिस से विधिवत वैदिक रीति से हो रही है। आप श्रद्धालु भक्तजन विद्वानों के मुखारविंद से श्री दुर्गा सप्तशरी जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे। विश्व के कल्याण में ही हम सभी का कल्याण भी निहित है। इस समय केवल हम भक्त ही नहीं सभी देवता भी स्वर्ग लोक से उतरकर माता जी की इस दिव्य आरती का आनंद प्राप्त करने के लिए अपना सूक्ष्म रूप धारण करके इस पवित्र गुफा में पधारते। सभी से निवेदन है कि वे श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के चरणों में ध्यान करते हुए इस दिव्य पाठ का श्रवण एवं स्वयं पाठ करें। ध्यान ॐ विद्युत्तामसमा प्रभा मृगपते स्कन्धासिता भीषणा कन्या विकरबालखेदविलसा हस्ताभिलासेविता हस्ते शक्रगदासिखेदविशिखा चापाङ्गुणराजने बिभ्राणामरलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे ॐ देव्योवाच देवी सवे च मान्यत्यं तोषदेह समाहितः कस्यां सलामानां नाशयिष्यामि संशयम् मधुकैरवनाशं च महिषासुरघातनं
केतयश्चन्ति एतद्वा बलं शम्भर शम्भयोः अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां च एकादशः शोचन्ति चैव ये भक्त्या मम महात्मोत्तमम् नातेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोत्थान च फलः भविष्यति न दारिद्र्यं न च वैषवियोजनम् शत्रुदोणामयं तस्य दस्युतो वानराजतः राशस्त्राणलतो योगा कदाचित् सम्भविष्यते कस्मान्ममेतन्माहात्यं भरेतव्यं समाहिते श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं सस्यनहितात् उपसर्गानशेषातो महामारे समद्भवान् तदा त्रिलमुत्पादं माहात्म्यं शमेन्मम यत्रैतत्पठ्यते सम्यक् नित्यमायतने मम सदा न तद्विमोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितम् बलिप्रदाने पूजायामग्निकार्य महोत्सवे सर्वमनैतच्चैतम् उच्चार्यं शाम्यमेव च जानता जानता वापे बलिपूजां ददाकृताम् प्रतिष्ठिष्याम्यहं प्रीत्या वह्नि होमं ददाकृताम् शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिके तस्यामेतन्माहात्म्यं शुक्त्वा भवते समन्वितः सर्वाभागाभिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः मनुष्यमत्रसारेण भविष्यते न संशयः श्रुत्वा मेतन्माहात्म्यं तदा चोत्पत्त्या शुभाः पराक्रमं चिरोद्देशो जायते निर्भयः पुमान् ऋभुवा संशयं जाते कल्याणं च अवबध्यते नन्दते च कुलं पुंसा माहात्म्यमशृण्वदाम् शान्तिधर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने ग्रहपीडासु शोग्रासु माहात्म्यं शृणुयान्मम उपसर्गाशमं याति ग्रहपीडासु दारुणा दोःसवनं च निवर्दिष्टं स्वसवनामवजायते बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकम् सङ्घातभेदे जनिनां भ्रातृकरणमुत्तमम् दुर्वृत्तानामशेषाणां बलहारिकरं वरम् रक्षाभूतपिशाचानां पठनादेवनाशनम् सर्वमवेतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकम् पशुपुष्पाकधूपे च गन्धदेपे सदातमे विप्राणाभोजने होमे प्रोक्षणे अहर्निशम् अन्यैर्भोगे प्रदानिर्वसरेणया प्रीतिर्मे क्रियते सहस्रेण चाके सोचरते शुरे शुरं हरति पापाणि तदारोग्यं प्रयच्छते रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां गेतनां मम युद्धे सुचरितं जन्म दुश्चरित्रान्यवर्हणम् कस्मिन् सुदैवैः कृतं भयं पुंसां न जायते युष्माभिश्च ब्रह्मणाः ब्रह्मणा च कृता धातु प्रयच्छन्ते शुभां मतिम् अरण्ये प्रान्तरेवापि तावाने परिवारितः कसुभिर्वाभिदाशून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याजानुजातो वापने वावनहस्तिभिः राज्ञानुद्धेन जाग्रत्ता पद्यबन्धगतोऽपि वा आघूलितो वा वाघेन सुधा पोते महानवे पथस्तु चापि शस्त्रेषु सङ्ग्रामे वृषदारुणे सर्वाभागासु घोरासु वेदना व्यथितोऽपि वा स्वरन्मयितश्चरितं नरमुच्चेद सङ्कटात् मम प्रभावा सिंहादस्य भो वैर्न सदा दूरादेव पायन्ते स्मरस्तश्चरितं मम ऋषुर्वाच इत्युक्त्वा सा भगवते चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्रैवादरधीयत ये विदेवानिरातङ्कः स्वाधिकारं यथा पुरा यज्ञभागभुजा सर्वे चक्रुर्विहतारयः
दैत्याचदेव्यादेशुम्भदेवरिपायुधे जगद्विध्वंसने तस्मिन्वाग्रतलविक्रमे निशुम्भेद महावीरे शेषापातालमायुः एवं भवति देवेधा नित्यापि पुनः पुनः शम्भूया कुरुते भूप जगतः परिपालनम् कैर्मन्मोयते विश्वम् देव विश्वम् प्रसूयते साजायिताज विज्ञानम् तुष्टादित्यम् प्रयच्छति ज्ञातम् देता सकलम् ब्रह्माणम् मनजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया शेषकाले महामारी शेषेषवत्या स्थितिम् करोति भूतानाम् शेषकाले सनातने भवकालेनाम् सेवा लक्ष्मी वृद्धे जागृहे सेवाभावे तथा लक्ष्मी विनाशायोपजायते तुला सम्पूजिता पुष्पे धूपगन्धादि विस्तता तदा निमित्तम् पुत्रा च मतिम् धर्मे गतिम् शुभाम् अथ सिद्धकुञ्जिका स्तोत्रम् शिवोवाच शृणो देवे प्रवक्ष्यामि कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मन्त्रप्रभावेण चण्डे जापः शुभो भवेत् काकवचम् नागला स्तोत्रम् कीलकम् न रहस्यकम् नासूक्तम् नापि ध्यानम् च नान्यासोच वाचनम् कुञ्जिका पाठमात्रेण दुर्गा पाठफलम् लभेत् अधिभूयतरम् देवे देवानामपि दुर्लभम् गोपनीयम् प्रयत्नेण गुणानेव पार्वती मारणमोणवशम् सम्मणो चाटनादिकम् पाठमात्रेण संस्कृत्य कुञ्जिका स्वतमुत्तमम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्ये ॐ ग्लौं ह्रों क्लीं जों सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्ये ज्वल हं सं लक्षपत् स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिण नमस्ते मधुमर्दने नमस्ते नमहारिण्डे नमस्ते महिषादने नमस्ते शुम्भ अन्त्रे च निशुम्भासुरघातने यागदये महादेवे जपं सत्यं गुरुशमे एकाये शिष्यलोपाये एकाये प्रतिपालिका एकाये कामरूपिण्डे बीजरूपे नमस्तुते चामुण्डा चण्डघाति च यैकारि वरदायिनि विच्चेदाभयदा नित्यम् नमस्ते अङ्गरूपिणि ध्वां ह्रीं ध्वौं दुर्धरे पत्ने ध्वां ह्रीं भों वागधीश्वरे त्रां ह्रीं त्वं कालिका देवे शां ह्रीं सोमे शुभं कुरु हों 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 कारोपिण्ये जं 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 भनादिनि ह्रां ह्रीं भ्रूं भैरविभद्रे भवने ते नमो नमः अङ्कं चं टं टं कयं शं भीं गुं ऐं द्वीं हं शं ह्रीहाग्रं भिजाग्रं रोडय त्रोडय गीतं कुरु कुरु स्वाहा पार्वते पुना खां ह्रीं सों केचरे तदा सां ह्रीं सों सप्तरे देव्या मन्त्रसिद्धिं करश्यमे विगन्तो कुञ्जिका स्तोत्रं मन्त्रगानर्ति हेतवे अभक्तेनैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वते यस्तु कुञ्जिकया देवे येनां सप्तशतं पठे काकस्य जायते सिद्धि अरण्ये योजनायथ श्रद्धालु भक्तजन अभी तक श्री वेदव्यासी द्वारा विरचित मार्कंडेय पुराण से उद्धृत श्री दुर्गा सप्तशती जी के
पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे थे। अभी स्तोत्र पाठ होगा। इस स्तोत्र पाठ से भक्तों के घरों में सर्वदा रिद्धि सिद्धि बन जाती है, विशेषतया आपके रोगों, शत्रुओं, दुख एवं दारिद्र का विनाश होता है, मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति एवं मोक्ष की प्राप्ति होती। श्री दुर्गा आपोद्धाराष्टकम् नमस्ते शरण्ये शिवसानुकम् नमस्ते जगत्यापिके विश्वरूपे नमस्ते जगदन्त्यपादारविन्दे नमस्ते जगत्तारिणीत्राहि दुर्गे नमस्ते जगच्चिन्त्यमानस्वरूपे नमस्ते 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 सदानन्दरूपे नमस्ते जगत्तारिणीत्राहि दुर्गे अनाथ सदीनादृशनातुरस्य भयात सभीतासभद्रस्वगन्तो त्वमेका नमस्ते जगत्तारिणीत्राहि दुर्गे अरण्ये रणे दारुणे शात्रमध्ये जये सकले राजगे प्रवादे त्वमेकागदे पारे महादुस्तरे ध्यानघोरे विपत्सागरे भजताम् देह भाजाम् त्वमेकागरे देविनेकारणौका नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे नमश्चण्डिके चण्डदण्डलीला नमश्चण्डिताखण्डलाशेषशत्रुः त्वमेकागदर्भिर्नखण्डोहत्रि नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे त्वमेका सदा राजिता सत्यवादी नहेकाखिला क्रोधना क्रोधनिष्ठा इरापिङ्गला सुषुम्ना जनाडी नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे नमो देवि दुर्गे शिवे भीमराजे सदा सर्वसिद्धि प्रदाते स्वरूपे विभूति तथा कालरात्रि स्वरूपे नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे शरणमति सुराणां सिद्धविद्याधराणां कुणिधनुजवराणां व्याधिभिः पीडितानां निपते ग्रहगतानां दशभिर्वासितानां त्वमसि शरणमेका देवि दुर्गे प्रसीद श्री भगवान्।
भगवती स्तोत्र जय Oh, no.
प्रार्थना अपराध सहस्राणि यन्ते अनिशमय दासोऽयमिति क्षमस्व परमेश्वरि आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जन पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरि मन्त्रहीनं ध्याहीनं अपराधशतं कृत्वा जगदं वेदि चोत्तरे यां गतिं समवाप्नोति दाता ब्रह्मादयासुरा सापराधोऽस्मि शरणं प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके इदानीमनुकं व्योहं यथेच्छसि तथा कुरु अज्ञानं विस्मते भ्रात्या ज्ञान्योऽनमधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवि प्रतिदा परमेश्वरे कालेश्वरि जगन्मातरसत्यदानन्दविग्रहे ध्यानाचामिमां भेत्या प्रसीदा परमेश्वरि भूयाति भूयगोप्रीतं ध्यानास्मकृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवि भद्रकालासुरेश्वरि सचियां ज्योतां वाली माता तेरी सदा ही जय जयकारा शेरां वाली जी दा ओ सच्चे दरबार की जय। अभी सभी श्रद्धालु भक्तजन तीन बार ओंकार अक्षगणनाद करेंगे, एक साथ उच्च स्वर से लंबे स्वर से हृदय से वास निकालते हुए माता जी के चरणों में यह प्रार्थना करते हुए, हे माँ इन पदम स्तोत्रों से यदि कहीं भी कुछ भक्ति का लेश मिले उसी से प्रसन्न हो जाओ, हमारे अपराधों को क्षमा करो एवं मनोकामनाओं को पूर्ण करो, ऐसा मन में माता जी के चरणों में भाव करते हुए अब सभी भक्तजन तीन बार एक साथ ओंकार रख कर नाद कीजिएगा। बिंदुम संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव श्री ओंकाराय नमो नमः। योगी जन बिंदु से संयुक्त इस ओंकार का नित्य प्रति काम एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए ध्यान करते हैं। हमारी सृष्टि का स्वरूप भी ओंकार स्वरूपा ही है तथा इसके आदि एवं अंत में इसी अक्षर का गुंजायमान सदैव होता रहता है। ओंकार अक्षर के जाप से उच्चारण से कई आदि व्याधियों का विनाश भी होता है। हे माँ इस प्रणव अक्षर ओंकार में अकार उकार और मकार के रूप में ब्रह्मा विष्णु एवं महेश के रूप में आपकी नित्य स्थिति है तथा बिंदु स्वरूपा अर्धमात्रा
जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी आप ही हैं। सचियां जोतां वाली माता तेरी सदा, जयकारा शेरां वाली जी दा, बोल सच्चे दरबार की जय। अभी आप सभी श्रद्धालु भक्तों ने पूर्ण तन्मयता से तल्लीन होकर श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के इस दिव्य पाठ का श्रवण किया। जिस श्रद्धा से आप सभी ने इस पाठ का श्रवण किया है, स्वयं पाठ किया है, उसी रूप में जगदम्बा वैष्णो माता प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना को पूर्ण करें, ऐसी माता से प्रार्थना है। रक्षांस यत्रो गविशाश्च नागा, यत्रार्यो दस्यु बलानि यत्र दावाणलो जत्र तथाब्दि मध्ये तत्र स्थिता तम परिपासि विश्वम। देवी, जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विश्व वाले सर्प, जहाँ शत्रु, जहाँ लुटेरों की सेना और जहाँ दावाणल हो, वहाँ तथा समुद्र के बीच में भी साथ रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो। विश्वेश्वरी तम परिपासि विश्वम, विश्वात्मिका धारे सीति विश्वम, विशेष वंद्या भवती भवंती विश्वाशयाजे त्वयि भक्ति नम्रा। विशेषी, तुम विश्व का पालन करती हो, विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ की वंदनीया हो। जो लोग भक्ति पूर्व तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं, वे संपूर्ण विश्व को आशीष देने वाले होते हैं। प्रणता नाम प्रसीदत्वम देवी विश्वार्थी हारिणी, त्रैलोक के वासी नाम ईड़े लोका नाम वरदा भव। विश्व की पीड़ा दूर करने वाले देवी, हम तुम्हारे चरणों पर पड़े हुए हैं, हम पर प्रसन्न हो। वो त्रिलोक निवासी पूर्णिया परमेशी सब लोगों को वरदान दू। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा, जयकारा शेरा वाली जी दा, बोल सच्चे दरबार की जय। एक बार परीक्षित जी के पुत्र जमेजे के मन में जो विचार उत्पन्न हुआ कि इस ब्रह्मांड की रचना करने वाला कौन है, और संशय युक्त होते हुए उन्होंने व्यास देव जी से प्रार्थना की कि महाराज, मेरे मन में जो सदैव प्रश्न बना रहता है कि इस ब्रह्मांड का उत्पत्ति कर्ता कौन है। तब व्यास जी कहने लगे कि मेरे मन में ये शंका थी, और एक दिन मैंने गंगा के तट पर नारद जी को देखा, तब उनसे ये प्रश्न किया कि महाराज, मुझे बताइए कि सृष्टि को पैदा करने वाला कौन है। स्वयं ब्रह्मा जी हैं, भगवान विष्णु हैं, शंकर जी हैं, गणेश जी हैं, सूरज, अग्नि, यम, कुबेर कौन है। मेरे मन में ये संशय बना रहता है, और नारद जी कहने लगे कि मेरे मन में ये विचार था, इसलिए व्यास जी बताया नारद जी कि मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी से ये कठिन प्रश्न किया था, परंतु ब्रह्मा जी ने कहा था कि पुत्र, तूने बड़ा दुरूह प्रश्न किया है, इसको तो भगवान विष्णु भी बताने में असमर्थ है। मैं तो केवल इतना जानता हूँ, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जब सृष्टि जल में हो गई थी और मैं कमल के पुष्प पर विराजमान था, और जो मन में विचार करने लगा कि मुझको पैदा करने वाला कौन है, क्योंकि चारों ओर जल ही था और केवल कमल के पुष्प पर मैं विराजमान था, और मन में विचार करने लगा कि निश्चित रूप से इसका जो जड़ मूल है, वहाँ जहाँ से पृथ्वी होगी वहाँ पर, और कमल पुष्प की जो उत्पत्ति है ये पृथ्वी तथा ये कीचड़ के द्वारा जल से होती है। तब मैं उस कमल पुष्प के नाल से नीचे उतरता रहा, हजारों वर्ष उतरता रहा, परंतु था नहीं नाप पाया। तब मैं पुनः ऊपर आ गया, और उस समय आकाशवाणी हुई कि तपस्या करो। मैं हजारों वर्ष तक तपस्या करता रहा, फिर पुनः आकाशवाणी जो हुई कि आप सृष्टि का सृजन करो। मैं ऐसा विचार कर रही था, तभी मैंने देखा कि वहां पर दो राक्षस मधु और कैटव मुझको मारने का उद्योग करने लगे, और मैं बचाव का कोई उपाय नहीं था, इसलिए मैं पुनः उस कमल के नाल के नीचे उतरने लगा। मैं ऊपर नहीं आ सकता था, क्योंकि वो दैत्य मुझको मारने का उद्योग करते, वो भी मेरे पीछे आ रहे थे। जब मैं नीचे बहुत चला गया, तब मैंने देखा कि वहां पर एक चतुर्भुष जो पुरुष हैं, जिनका वर्ण रंग जो है वो अलसी के पुष्प के समान है, जिन्होंने शंख चक्र गदा पद्म धारण किया हुआ है, और वो योग निद्रा में निमग्न है। तब मैंने उनके नेत्रों में जो व्याप्त योग माया है, उनकी आराधना की, और मेरी स्तुति पर करने पर त्वम स्वाहा त्वम स्वधा त्वमी वर्षकारा सुरात्मिका इन श्लोकों से स्तुति की। हे माँ, वेद माता हैं आप, ब्रह्मा विष्णु शंकर को पैदा करने वाली हैं, हे माँ मेरी रक्षा करो। उस समय वो योग माया भगवान विष्णु के नेत्रों से निकल गई थी, और भगवान विष्णु के जागने पर उन्होंने उन दोनों
दैत्यों के साथ 5000 वर्ष तक युद्ध किया था और अपनी जंघाओं पर उनके शीश रख करके सुदर्शन चक्र द्वारा शीश काट दिए थे। इस प्रकार उन्होंने मेरी रक्षा की थी। तब हम मैं और विष्णु जी वहाँ पर विराजमान थे। वहाँ शंकर देवी आ गए और हमने आकाश में उन देवी को देखा जो आकाश में जो विराजमान थी। हम तीनों ने उनकी स्तुति की और उस समय उन देवी ने कहा कि आप इन दोनों दैत्यों का मैंने वध कर दिया है, अभी आप सृष्टि का सृजन करो। परंतु हमने कहा कि माँ हम शक्तिहीन हैं और पृथ्वी की जो सृष्टि का जो सृजन है वो पृथ्वी के बिना नहीं हो सकता है, चारों ओर जल ही जल है। तभी हमने देखा कि वहाँ पर एक दिव्य विमान आ गया और उन देवी ने कहा कि मैं आपको इस विमान में बिठा करके जो आश्चर्यजनक दृश्य दिखाऊंगी। हम तीनों उसमें बैठ के और वो वायु के वेग से विमान उड़ने लगा। तभी हमने देखा कि वो जल को लांग करके जो पृथ्वी पर आ गया है, वायु के वेग से उड़ने वाला विमान। हमने देखा कि स्वर्ग के समान एक नगर है जिसमें सुंदर भवन है और पारिजात वृक्ष के नीचे कामधेनु गाय बैठी हुई है। वहीं पर चार दानपला ऐरावत हाथी है, अप्सराएं गंधर्व नृत्य कर रहे हैं और निश्चित से हमने जाना कि ये स्वर्गपुरी है। वहां एक राजा को हमने पालकी पर बैठे हुए देखा। तभी वे विमान द्रुत गति से उड़ा और ब्रह्मलोक में पहुंचा, जहां हमने देखा कि चतुर्मुख रूपधारी ब्रह्मा जी वहां विराजमान हैं और वेद मूर्तिमान में होकर के उनकी स्तुति कर रहे हैं। एक ब्रह्मा जी हमारे विमान में बैठे थे और दूसरे ब्रह्मांड में हम ब्रह्मा जी को देख रहे हैं, दूसरे ब्रह्मांड में पहुंच गए हैं। हमने अपने विमान में बैठे ब्रह्मा जी से पूछा कि महाराज जी चतुर्मुख रूपधारी दूसरे ब्रह्मा कौन है? तो ब्रह्मा जी कहने हैं मैं इन दूसरे ब्रह्मा को नहीं जानता। आगे हमारा जो विमान है वो कैलाश पर्वत पहुंचा जहां पांच मुख वाले शंकर भगवान वृष पर बैल पर आरूढ़ है। उन्होंने गज चरम ओढ़ा हुआ है, मृग चरम पहना हुआ है और गणेश तथा कार्तिकेय जी उनके अंग रक्षक के रूप में चलते हुए बड़ी शोभा पा रहे हैं। परंतु दूसरे शंकर जो हमारे विमान में विराजमान थे वो उन कैलाश वाले दूसरे शंकर जी को मुझे बताने में असमर्थ थे ये कौन है। तभी हमारा विमान जो है वैकुंठ लोक में पहुंचा जहाँ चतुर्भुजधारी भगवान विष्णु जिनका अलसी के समान नील वर्ण था और लक्ष्मी उनको चंवर डुला रही थी, उन भगवान विष्णु को जानने में हमारे दूसरे जो विष्णु थे वो बताने में असमर्थ थे। तभी हमारा विमान द्रुत गति से उड़ा और अमृत सागर में जहाँ मंदार पुष्प मंदार के वृक्ष पारिजात के वृक्ष थे, पुष्पों की मालाएं से जो नगर शोभित हो रहा था, वहीं हमने देखा कि एक दिव्य पलंग है और उस पर अनेक रंग की जो चादरें बिछी हुई हैं, इंद्रधनुष के समान प्रतीत हो रहा है और उस पर एक दिव्यांगना बैठी हुई है जिसका जो रूप है वो करोड़ों लक्ष्मी से भी सुंदर है। उन्होंने रक्त वस्त्र के वर्ण के वस्त्र पहने हुए हैं, चंदन का लेप किया हुआ है और हजारों सोरों से भी उसका प्रकाश अधिक है। करोड़ों लक्ष्मी से वो सुंदर है। हिरलेखा था अनंग कुसुमाचारी सखियां उनकी सेवा में जो तत्पर है। हम ये जानने में असमर्थ थे कि ये देवी कौन है। तभी मेरे मन में विचार आया कि निश्चित रूप से हमने पूर्व जन्म में कोई तपस्या की थी जिसके बल पर हम इन देवी के दर्शन कर ले हैं। केवल योग मार्ग द्वारा ही इन देवी के दर्शन किए जा सकते हैं और यही देवी प्रकृति स्वरूपा भगवती परम पुरुष के साथ मिलकर के ब्रह्मांड की रचना करती है। तभी भगवान विष्णु कहने लगे कि मुझे स्मरण हो रहा है कि प्रलय सागर में जब मैं बट पत्र के दोने में बैठा हुआ और अपने पैर का अंगूठा चूस रहा था, तभी ये मुझको जो गायन द्वारा लोरी सुला रही थी और निश्चय रूप से ये देवी भुवनेश्वरी वही है जो मणिद्वीप में विराजमान रहती है। और ना सूरज ना चंद्रमा विष्णु भगवान शंकर ना ब्रह्मा जी इस सृष्टि के सृजन करता है, ब्रह्मांड के सृजन करता है, अर्थात अनंत कोटि ब्रह्मांड की शक्ति यही भुवनेश्वरी देवी ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारण है और इन्हीं के धाम में आज आप विराजमान हैं जो संपूर्ण विश्व भर में संयुक्त रूप में इस दिव्य गुफा में विराजमान होती हैं। आपको शक्ति ऐश्वर्य ज्ञान के वरदान से संपन्न कर रही हैं। तीनों महाशक्ति जड़ मूल से एक हैं, ऊपरा के तीन स्वरूप और इन्हीं के चरणों से स्नान कराती हुई गंगा मैया
चरण गंगा परिक्रमा करती जा रही है, जिसमें आप स्नान करते हैं, चनावत ग्रहण करते हैं। इन्हीं के साथ बाएं हाथ पहाड़ी पर गणपति महाराज, सूरज, चंद्रमा, बटुकता प्रहलाद जी और साथ में महाराज का वरद हस्त भक्तों प्रत्येक क्षण आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। सामने शंकर भगवान जी शिवल रूप में विराजमान और इन्हीं तीनों महाशक्तियों का निवारण मंत्र बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे कलिकाल में भक्तों का विशेष उद्धार करने वाला है, जिसमें ऐं के चरण से आपको विद्या की प्राप्ति होती है, ह्रीं के चरण से धन ऐश्वर्य मिलता है, क्लीं के चरण से शक्ति प्राप्त होती है। चामुंडा माता जी का नाम एवं बिच्छे के रूप में आप हमें अभय प्रदान करती हैं। आइए इसी निवारण मंत्र का उच्चारण माता के चरण में बैठे हुए हम सभी भक्तियां तीन बार करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा जे विच्चे। 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 सचियां जोतां वाली माता तेरी सदा ही जय करा, शेरां वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। घर में भी नित्य प्रति स्नान उपरांत शुद्ध वस्त्र धारण करके आप इसका कम से कम एक माला जाप अवश्य करें, जिससे तीनों शक्तियां आपको स्वतः प्राप्त हों और आपकी गृहस्थी ठीक प्रकार से चले। दुर्गा वैष्णो माता आप आए हुए सभी भक्तों की मनोकामनाएं जो अपने मन में सुन रहे माता के प्रति लाए हैं सभी पूर्ण करें। माता जी का वरद हस्त सदैव आपके शीश पर रख रहे और आप उत्तर उत्तर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते रहे। सचियां जोतां वाली माता तेरी सदा ही जय, जयकारा शेरां वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी भजन की बेला है, सभी भक्तियां उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता जी भेंटों में योगदान देंगे। सर्वप्रथम निवेदन है श्री जयपाल जी से अपनी मधुर भजन प्रस्तुत कर रहे हैं श्री जयपाल। जयकारा शिरवली जय बोल सच्चे दरबार की जय। रुसिया तू साडे नाल क्यों मेरी माए, रुसिया तू साडे नाल क्यों मेरी माए। दस हम असा केड़े छतर चुराए, दस छतर चुराए, माया दा के छतर चुराए। हरी के बाद धीमी है कई वक्त हाथ को डाल हाथ देंगे अरुण चावली खेल कर जय माता। छतर चुराए, माया
तू साडे नाल क्यों मेरी माए रुझी है तू साडे नाल क्यों मेरी माए दस हा मैं आशा केड़े छतर चुरा क्यों बनाए
कोल पूछना छतर चुराए छतर चुराए जयकारा शेरावाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। एक भेंट प्रस्तुत कर रहे हैं श्री मणिंदर। जयकारा शेरावाली का बोल सच्चे दरबार की जय। तू है मैया मेरी मैं हूँ दासी तेरी। तू है मैया मेरी मैं हूँ दासी तेरी। तू है मैया मेरी मैं हूँ दासी तेरी। हाँ तू है मैया मेरी मैं हूँ दासी तेरी। तू है मैया मेरी मैं हूँ दासी तेरी। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। सौंप दी अपनी कश्ती तेरे नाम पर। सौंप दी अपनी कश्ती तेरे नाम पर। हाँ सौंप दी अपनी कश्ती तेरे नाम पर। सौंप दी अपनी कश्ती तेरे नाम पर। अब किनारे लगाना तेरा काम है। अब किनारे लगाना तेरा काम है। तू है मैया मेरी मैं हूँ दासी तेरी। तू है मैया मेरी मैं हूँ दासी तेरी। सौंप दी अपनी कश्ती तेरे नाम पर। सौंप
की तुम्ही सोच लो होगी बदनामी तुम्ही तुम्ही सोच लो आगे आना चिंतपूर्णी मात मेरी ने
ਬਦਲ ਬਣ ਕੇ ਮਈਆ ਸੁਖ ਬਰਸਾਵੇ ਬਰਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਬਣ ਕੇ ਮਈਆ ਸੁਖ ਬਰਸਾਵੇ ਮਹਿਰਾਂ ਦੇ ਛਿੱਕੇ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਵੇ ਸ਼ਰਵਿਸ਼ਟਰਾਮ ਫਣਿਫਣੋ ਤੁਮ ਸੋਰੁ ਰਤਨਾਵਲੀ ਭਾਸ਼ੇਹਲਤਾਂ ਦਿਵਾਕਰਨਿਭਾਂ ਨੇਤ੍ਰਤਯੋਧਾਸਿਤਾਂ ਮਾਲਾ ਕੁੰਭਕਪਾਲ ਨੀਰਜਕਰਾਂ ਚੰਦ੍ਰਾਰਚੂਡਾਂ ਪਰਾਂ ਸਰਵਜ੍ਞੇਸ਼ਵਰ ਭੈਰਵਾਂਕ ਨਿਲਯਾ ਪਦਮਾਵਤੀ ਚਿੰਤਯੇ ਸਚੀਆ ਜੋਤਾ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਤੇਰੀ ਸਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਵਾਲੀ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ। ਅੱਜ ਕੀ ਪਰਮ ਪਾਵਨ ਸੰਧਿਆ ਕਾਲੀਨ ਆਰਤੀ ਵੇਲਾ ਮੇ ਦੁਰਗਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੀ ਅਸੀਮ ਅਨੁਕੰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਸਭੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਭਕਤੋਂ ਕੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੇ ਤਪੋਵਨ ਕੇ ਦਿਵਯਾਂਗਨ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨੇ ਕਾ ਸੌਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁਆ। ਅਤਹ ਆਪ ਸਭੀ ਸੌਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਏਵਂ ਪੁਣਕਰਮੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਭੀ ਕਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੇ ਦਿਵਯਾਂਗਨ ਮੇ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਏਵਂ ਅਭਿਨੰਦਨ। ਤਦਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਮਾਤਾ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਓਰ ਸੇ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਵਿਸ਼ਵ ਕੇ ਸਭੀ ਮਾਤ੍ਰ ਭਕਤੋਂ ਕੋ ਭੂਰੀ ਭੂਰੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। ॐ पुनस्त्वादित्या रुद्रा वसवः समिन्धतान् पुनर्ब्रह्माणो वसुनीथ जद्देहि ऋतेन त्वं तन्वं वर्धयस्य सत्याः सन्तु जरमानस्य कामः मन्त्रार्था सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणामुदयस्तव क्षीर्वर्चस्व आयुष्यमारोग्यमाभिधा शुभमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं छत्सम्वत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। आपकी दीर्घायु हो, आपको आरोग्यता प्राप्त हो, आप धन धन से संपन्न हो,
जिन मंत्रों का आपने श्रवण किया वे सभी सफल एवं सार्थक फल देने वाले हों और सदैव धर्मानुकूल कर्म करते हुए उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हूँ। सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा जयकारा श्री राम वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी सभी भक्तियाँ उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता की आरती बोलेंगे। सामने दीवार पर आरती लिखी हुई है, आपकी पुस्तिका के अंत पृष्ठ पर भी आरती है, सभी बोलेगा। ओम जय अम्बे मैया जय मैया जय चंद्र दिवाकर
महाराज माता जी पूजा करके गुफा द्वार पर पधार चुके हैं। इस पवित्र गुफा का अखंड ज्योति का पूजन करेंगे। तत्पश्चात माता जी आरती होगी। आरती अब सभी भक्तों के बीच में आएगी। सभी भक्त जहाँ बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती वंदना करना। प्रेम से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, आरती बेला, जय माता दी, जय माता दी, जोड़ करके माता जी के चरण में प्रार्थना करेंगे। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम, ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखम, देहि मे परमं सुखम, रूपं देहि जयं देहि, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि दिशो, यशो देहि दिशो जहि, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः। अभी परम पूजनीय श्री पुजारी महाराज आरती प्रारंभ करते हैं। सभी भक्त जब बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती अक्रम देखिएगा। जय माता दी। गुरु जी को वंदना, द्वितीय आज गजे, तृतीय स्मरा शारदा, मेरे कार्य करो हमेश जयमा, आनंदी आनंद करो कल्याणी कल्याण, मैं आज पहल को सतगढ़ी जो चरणा दाध्या
खड़गम चक्रगजेषु चापमरिदां चूलं वशुण्णं चिरा शङ्खं सन्दलदेङ्करेति शरणं सर्वाङ्गभूषाभृतां नीलाश्वन्दतिमाध्यपाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तु स्वभिदेहलोकमजो अन्तं मधुपेतमं अक्षात्रक्परशं प्रदेशु पुलिशम् परमङ्गलकुण्डिकाण्डं शक्तिमजिन्द्रचर्मचलयं घण्टासुराभाजनं चूलं पाशसुदर्शने च धरतिं हस्ते प्रसन्नानां देवे देववर्धनी महालक्ष्मीं सरोजस्थितां घण्टाचूलहलानि शङ्खकुशले चक्रं धनुसायकम् अष्टाभिरसदीर्घनान्तविरस श्वेता चतुल्यप्रभा भोरी देह समोद्भवां त्रिगता माधाविभूता महा पूर्वा भक्त सरस्वती मनुभजे त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो दशभा त्वमेव त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव शान्तारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वादारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवृन्दान् गम्यं वन्दे विश्वं भगवहरं सर्वलोकैकनाथम् अर्पितं केशवं रामनारायणं कृष्णदाभोदरं वासुदेवं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं हरे मुरारे मंगे गोहारे गोविंद गोपाल मोहन किशोरी यादम प्रदेही शरणम प्रदेही विद्या प्रदेही भगवान नमोस्तुते। हे भाई मेरी सच्चिया ज्योता वाली माता तेरी सदा पंच फूला रानी माता तेरी सदा सर्वत का भला करने वाली माता तेरी सदा सारे संसार की शांति देने वाली माता तेरी सदाई लोंगड़ा भीड़ ठाकुर तेरी सदाई बोलो सच्चे दरबार की धर्म की धर्म की धर्म की अधर्म का अधर्म का अधर्म का प्राणियों में प्राणियों में विश्व का विश्व का भारत वर्ष बोलो हर 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 महादेव बाबा श्रीधर की सनातन धर्म की गौ माता की जय बोलो सच्चे दरबार की पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय आप सभी भक्तजनों को माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। बोलो सच्चे दरबार की जय।